हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच के भलंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए। अलग अलग विशेषज्ञों का इस पर अलग अलग राय है, इसके पीछे का हम आज तर्क देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे पानी पीने के क्या फायदे हैं, खड़े होकर क्यों पानी नहीं पीना चाहिए, दिन में कितना पानी पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय क्या है, पानी पीने का सही तरीका क्या है। हम देखेंगे पानी पीने के फायदे क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले तो शरीर की क्रियाओं के लिए पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे पाचन शक्ति, पाचन रसों को बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब पाचन सही रहेगा तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी। पानी नहीं पीते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं। पानी हमारे ब्रेन और मूड को बेहतर बनाता है। कुछ स्टडीज हुई है जिसमें यह बताया गया है पानी का सीधा संबंध होता है ज्ञान और अनुभूति की कमी से। पर्याप्त उनको पानी दिया गया, उनकी फोकस क्षमता, एक तार्किक तर्क करने की क्षमता बढ़िया पाई गई है। सो ये कहा गया है कि पानी का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से है, हमारे मूड से है। पानी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, ये ब्लड को छानता है, इससे हमारी जो त्वचा है वो निखरती है, झुर्रियाँ कम होती है, फुंसियाँ कम होती है। देखा गया कि कई मामलों में पानी पीने की वजह से सिर दर्द में कमी पाई गई है, घुटनों के दर्द में भी पानी पीने से कमी आई है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। बोला आता है कि दिन में कितना पानी पीना चाहिए, इस विषय में अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, हर चीज की अति शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो पानी कितना पीना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब हमें आयुर्वेद से मिलता है। दिन में कितना पानी पीना चाहिए, इस विषय में अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। अत्यधिक पानी पीना भी शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि अति, किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होता है, इसी तरह पानी की भी अति शरीर को नुकसान ही देती है, शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। इसलिए पानी लिमिटेड पिए, जब आपको प्यास लगे तभी पिए। 8 से 10 गिलास या 1 से 2 लीटर पानी सफिशियंट होता है दिन भर के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पानी पीने का सही समय क्या है। अलग अलग विशेषज्ञों की राय इस पर भी अलग अलग है। कोई कहते हैं खाना खाने के पहले पानी पीना नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए, खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। इसमें भी हम आयुर्वेद की मदद लेंगे। आयुर्वेद कहता है कि जब प्यास लगे तब पानी पिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हमारी पाचन तंत्र प्रभावित होती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है। पानी के तापमान की बात करें तो पानी हमारे शरीर का जितना तापमान होता है उसी तापमान का पानी हमें सेवन करना चाहिए। ज़्यादा ठंडा फ्रिज का पानी बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए इन चीज़ों से बचें। पानी पीने का सही तरीका क्या है, पानी पीने का सही तरीका के बारे में आयुर्वेद कहता है कि जिस तरह से आप बैठकर शांत मन से भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह से बैठकर पानी पीना चाहिए। एक बार में 1 गिलास पानी पीना चाहिए और एक साथ नहीं पीना चाहिए, घूट घूट कर, सिप सिप कर पानी पीना चाहिए, बैठकर शांत मन से पानी पीना चाहिए, ये सबसे फायदेमंद है। शरीर संकेत देता है, जैसे कि होंठ सूखने लगते हैं, इससे पता चल जाता है कि पानी पीना है। प्यास लगने लगती है, पेशाब जाते हैं तो अगर पीला पीला आए, कलर पीला हो, मतलब शरीर से पानी ज़्यादा मात्रा में निकल गया है। ये जो चीज़ें हैं ये बताती है कि हमें पानी पीना चाहिए। आजकल एक
बात चलती है कि कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ये सही बात है दोस्तों, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या है ये देखते हैं। जब भी हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये पानी सीधा नीचे चला जाता है। क्या होता है कि एक यहाँ से यहाँ तक हमारी ईसोफेगस होती है, भोजन नली जिसे बोलते हैं, और उसके बाद स्टमक होता है। ईसोफेगस होता है और नीचे स्टमक होता है, और यहाँ पर बीच में स्फिंक्टर होता है, एक वाल होता है जो यहाँ जो स्टमक के जो भी भोजन है, स्टमक में जो भी पाचन रस है वो ऊपर की तरफ ना जाए, भोजन नली में ना जाए, इसलिए एक वाल बना रहता है। जब हम पानी सीधा पीते हैं तो वो भारी होने के कारण इस वाल से होता हुआ नीचे चला जाता है, और इस वाल में खराबी आने के कारण स्टमक का जो भी कंटेंट है, स्टमक में जो भी एसिड है वो ऊपर की तरफ भोजन नली में आता है, और वहाँ से हमें जलन जैसी, छाती में जलन की अनुभूति होती है। इसलिए कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है नीचे, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, और एब्जॉर्ब न होने से किडनी के द्वारा क्षमता नहीं है, जिससे कि ब्लड के जो भी डिटॉक्स है वो बाहर नहीं निकल पाते, ब्लड शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए। पानी खड़े होकर पानी पीने से सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में पाचन पाचक रस नहीं निर्मित होते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी देर सवेर आई जाती है। नसों में खिंचाव और तनाव सा महसूस होता है। हमारे शरीर में दो सिस्टम काम करते हैं, फ्लाइट एंड फाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फ्लाइट एंड फ्लाइट मतलब कि चुस्त दुरुस्त, मतलब, और जब हम खाना खाते हैं तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की पोजीशन में खाना खाते हैं, और इसी पोजीशन में हमें पानी भी पीना चाहिए ताकि सही अनुपात में पाचक रस का निर्माण हो सके और भोजन का पाचन हो सके। अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो फ्लाइट एंड फाइट की अगर स्थिति निर्मित होती है, और इसमें शरीर में खिंचाव और तनाव बना रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।